क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीएम ने नहीं मांगा सेना के नाम पर वोट, साध्वी निरंजन ज्योति। फतेहपुर की सांसद और मोदी सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी ने सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा, लेकिन जब विपक्ष के लोग सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो पीएम का जवाब देना लाजमी है। वहीं साध्वी से जब पूछा गया कि पिछला चुनाव गया गंगा और मंदिर पर लड़ा गया था, सभी की हालत दयनीय है, तो साध्वी निरंजन ज्योति ने गाय की ऐसी हालत के लिए लोगों को ही जिम्मेदार बता दिया। साध्वी का कहना था कि लोग अपनी दुधारू जानवरों को भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बता दें कि फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने नामांकन का एक सेट दाखिल किया है और कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में साध्वी पूरे लाव लश्कर के साथ कल पर्चा दाखिल करेंगी। पिछला चुनाव गाय गंगा और मंदिर पर लड़ा गया था, इस बार कोई नाम नहीं ले रहा और तीनों के बुरे हाल हैं। गौशाला में मर रही हैं। ये तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहन गंगा जी में जाके आचमन करके आई है, तो ये सवाल उनसे करिए कि जब तुम्हारी सरकार थी गंगा जी आचमन करने लायक थी क्या? गंगा जी की क्या स्थिति थी? गौशालाओं की रही बात तो हमारे जिले में ही 13 गौशालाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये गायों की दिक्कत आज की नहीं सारे किसानों की समस्या है। हम उस पर पूरी गंभीरता से काम कर चारा तक नहीं उनको मिल पा रहा। इस तरह की धूप में हर गौशाला में 4-5 गायें रोज मर रही हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो वो कुछ सुनने को नहीं तैयार है। मैं 2-3 जगह देख करके आई हूँ, स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि गांव से इकट्ठे करके, क्योंकि कई बार मैं सड़क पर जाती हूँ तो जो गाय दूध लोग दूहते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कम से कम दूध देने वाले जानवरों को तो बांध करके रखो। विकास की बात कर रही हैं प्रधानमंत्री जी, सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है सेना के नाम से वोट तो नहीं मांग रहे, जब लोग राजनीति कर रहे हैं, सेना का सबूत पूछ रहे हैं, सेना का सबूत मांग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक देश के प्रधानमंत्री जी को उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। आप कल्पना करिए, हमने सवाल नहीं किए सेना के पौरुष पर, उन्हीं लोगों ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों को मारा, ये क्या कहाँ जवाब है? सेना के नौजवानों ने सीधे कहा हमने अपना काम किया है, हमारा काम है देश के अंदर आतंकवादियों को मारना, घुसपैठ करना। विपक्ष आयोग से शिकायत करने की बात कर रहा है लातूर की रैली। देखिए या मुझे लग रहा है या तो फिर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्यों सेना के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो? चुनाव आयोग ने मना किया है बोलने के लिए सेना का नाम नहीं लेंगे। हम लोग नहीं ले रहे, जब कोई सवाल सबूत पूछता तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। फतेहपुर से संदीप शुक्ला की एक रिपोर्ट।